हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल चैंपियनशिप मैच की, विनर टेक्स ऑल मैच की बिटवीन रोमन रेंज एंड गोल्डबर्ग एट रेसलमेनिया 37। कल के रॉ के लेजेंड्स नाइट में आकर गोल्डबर्ग ने सबको हिला डाला है। इंटरनेट पूरी तरह से हिल चुका है एंड रेसलिंग वर्ल्ड भी। तो क्या गोल्डबर्ग जीतेंगे WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर को हराकर एट रॉयल रंबल, और फिर वो हमें चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंज को फॉर इज यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ऐसे रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग का विनर टेक्स ऑल वाला मैच सेट हो सकता है रेसलमेनिया के लिए। यही बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, हमने देखा कि कल के रॉ के लेजेंड्स नाइट में ड्रू मैकइंटायर ने हरा दिया कीथ ली को और रिटेन किया अपना WWE चैंपियनशिप, और फिर एंट्री होती है द अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल गोल्डबर्ग की, और फिर वो आकर चैलेंज करते हैं ड्रू मैकइंटायर को फॉर WWE चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल पे पर व्यू, और फिर उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में स्कफल देखने मिलती है। पर दोस्तों, गोल्डबर्ग के बारे में अपडेट्स आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काफी शॉकिंग है। कल के रॉ में ओरिजिनली ये प्लान थे कि रॉ का मेन इवेंट जो होगा वो होगा जेफ हार्डी एंड रैंडी ऑर्टन की मैच, पर कल के ही दिन लेट में WWE ने प्लान चेंज कर दिए और उन्होंने सोचा कि कीथ ली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की मैच एंड करेगी शो और फिर होगा गोल्डबर्ग का एंगल। और ये भी अपडेट आई है दोस्तों कि गोल्डबर्ग को छुपा के रखा था बैक स्टेज। थंडर डोम जो है वो ट्रॉपिकाना फील्ड में है और वहां पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहां पर लोगों को हाइड किया जा सकता है। गोल्डबर्ग के एंट्रेंस होने तक वो हिडन थे बैक स्टेज। और दोस्तों, वैसे भी WWE के स्क्रिप्ट में गोल्डबर्ग का कोई भी मेंशन नहीं था, और गोल्डबर्ग के रिटर्न में थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा सा रश किए गए थिंग्स फॉर गोल्डबर्ग्स रिटर्न। आपने देखा ही होगा कि कल थोड़ा सा टाइमिंग में जो है वो फर्क हुआ है और रश किया गया था गोल्डबर्ग का रिटर्न। और अगर आपको जानना है कि गोल्डबर्ग का डिसीजन कब लिया गया कि वो फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को, तो वो लिया गया दोस्तों लास्ट सैटरडे को। तब डिसीजन लिया गया कि गोल्डबर्ग आकर रॉ में फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को, और ऐसे फिर उनकी मैच सेट हो सकती है फॉर रॉयल रंबल फॉर WWE चैंपियनशिप। तो आप कह सकते हैं कि ये लास्ट मिनट मूव था। और आपने देखा ही होगा कि कल के रॉ में गोल्डबर्ग ने एक तगड़ा धक्का दिया है ड्रू मैकइंटायर को, जिससे ड्रू मैकइंटायर गिर गए। वो इतना पावरफुल इम्पैक्टफुल पुश था। उस पर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं होप करता हूँ कि तुमने ये इंजॉय किया होगा गोल्डबर्ग, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यही पुश मिल सकता है। तो ये काफी इंसल्टिंग वर्ड्स यूज किए हैं ड्रू मैकइंटायर ने हमारे चैंपियन ने टू गोल्डबर्ग। अब दोस्तों, रही बात इनके मैच की जो हो सकती है रॉयल रंबल, ये अब तक कंफर्म हुई नहीं है बट बहुत जल्द हो सकती है, गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप। अब दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंज के शॉर्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे ऑन ट्विटर, और रूमर्स भी थे काफी कि रोमन एंड गोल्डबर्ग का प्रोग्राम होने वाला है रॉयल रंबल के बाद से एट रेसलमेनिया प्रोबेबली। बट आउट ऑफ नोवेयर गोल्डबर्ग को लाया गया रॉ ब्रांड में और चैलेंज कराया गया ड्रू मैकइंटायर को फॉर WWE चैंपियनशिप फॉर अ मैच एट रॉयल रंबल। तो ये डिसीजन किस लिए लिया गया है और गोल्डबर्ग क्यों चैलेंज कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को, इस पर मैंने वीडियो बनाया है कल, तो आप इसे देखिए और आपको पता चलेगा कि आखिर गोल्डबर्ग ने क्यों चैलेंज किया है ड्रू मैकइंटायर को। और बात करें कि कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि गोल्डबर्ग के काफी ज्यादा चांसेस है कि वो जीत सकते हैं ये मैच और बन सकते हैं WWE चैंपियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि ये जो पे पर व्यू है वो है रॉयल रंबल, ना कि रेसलमेनिया। रेसलमेनिया होता है एंड ऑफ द स्टोरी और रॉयल रंबल होता है स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, और मोस्टली रेसलमेनिया में ही ओवर करते हैं किसी यंग सुपरस्टार को या फिर कोई और, पर रॉयल रंबल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि रेटिंग्स कितने कम आ रहे हैं एंड गोल्डबर्ग इक्वल्स टू ड्रॉ, एंड आउट ऑफ नोवेयर गोल्डबर्ग को अलाउ किया गया है कि आप चैलेंज करिए ड्रू को फॉर WWE चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। तो जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लान्स होगा गोल्डबर्ग के लिए। तो ऐसे दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है कि गोल्डबर्ग हरा सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को एंड जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। और मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कल कि क्या हमें गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंज का विनर टेक्स ऑल वाला मैच देखने मिल सकता है। तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि
अभी आपको पता है कि स्मैकडाउन जो है वो फॉक्स पर है एंड जो रॉ है वो है यूएसए नेटवर्क पर। ये दोनों अलग पर्सनैलिटीज है और दोनों को अपने अपने शो में टॉप चैंपियन चाहिए ही एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैंपियनशिप चाहिए ही। तो अगर गोल्डबर्ग हरा देते हैं ड्यूक और बनते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन तो फिर वो रॉ ब्रांड का हिस्सा रहेंगे और रोमन तो है स्मैकडाउन ब्रांड के, तो हमें कोई ना कोई एक टाइटल तो किसी शो में चाहिए ही। इसलिए दोस्तों विनर टेक्स ऑल वाला मैच होना थोड़ा सा मुश्किल है और उसके चांसेस बहुत कम है। पर दोस्तों विंस मैकमैन जो है वो एकदम पागल हो जाते हैं गुड वे में इन द रोड ऑफ रेसलमेनिया। अगर वो मैनेज करते हैं कन्विंस करने के लिए फॉक्स को एंड यूएसए नेटवर्क को कि हम आपका प्रॉफिट कराएंगे और जो हमारा ड्यूअल चैंपियन बनेगा वो दोनों शो में शो अप करेगा, और अगर वो लोग राजी होते हैं तो हमें इन दोनों की ये मैच बड़ी मैच ड्यूअल चैंपियनशिप विनर टेक्स ऑल गोल्डबर्ग जो बन सकते हैं आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वर्सेस करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेन एट रेसलमेनिया 37, तो ये मैच हमें देखने मिल सकती है दोस्तों। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि कौन जीतता है ये मैच अगर होती है तो, और कौन बनता है अनडिस्प्यूटेड डबल चैंपियन या ड्यूअल चैंपियन आप कह सकते हैं। अब रोमन रेन्स हील है तो अगर रोमन रेन्स को हराना है तो गोल्डबर्ग जीत सकते हैं दोनों चैंपियनशिप, और अगर रोमन रेन्स को हील करके ही पुश करना है विंस को आगे तो वो हरा सकते हैं गोल्डबर्ग को और बन सकते हैं ड्यूअल चैंपियन। तो ये भी काफ़ी पॉसिबल है कि ड्यूअल चैंपियनशिप वाला मैच हमें देखने मिल सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। और रॉयल रंबल विनर का भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि अगर जो भी रॉयल रंबल मैच जीतता है वो तो चैलेंज करेगा किसी टॉप टाइटल के लिए ही, तो फिर ये विनर टेक्स ऑल वाला मैच होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। पर अगर ऐसा होता है विनर टेक्स ऑल वाले मैच में रॉयल रंबल विनर भी ऐड हो जाता है और हमें देखने मिलती है ट्रिपल थ्रेट मैच, तो काफ़ी मजा आएगा दोस्तों। अब दोस्तों विंस जो है वो पूरे क्रिएटिव माइंड के साथ उतरे हैं। हमें ये देखना होगा दोस्तों कि क्या होता है रॉयल रंबल में और आने वाले सारे पेपर व्यूज में। पर दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, कल गोल्डबर्ग को काफ़ी हेट मिल रहा है इन स्मार्क से, इन बचकांड लोगों से जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक दो रीज़न से गोल्डबर्ग को हेट करना है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम कितना भी हेट करो गोल्डबर्ग एंड विंस मैकमैन को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। मैंने कल वीडियो बनाया है उसमें मैंने लेजिट रीजंस दिए हैं कि गोल्डबर्ग क्यों बने हैं ड्रू मैकइंटायर के ओपोनेंट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और आज इस वीडियो में मैंने ये भी कहा है कि कितने लास्ट मिनट में वो प्लान्स रेडी हुए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्डबर्ग ड्रॉ है। अगर इतना भी जानने के बावजूद अगर आपको हेट करना है तो बिंदास करो। तो जिन लोगों को गुस्सा रहना है, सैड रहना है और हेट करना है तो वो लोग शौक से करिए, और जिनको मेरी तरह हैप्पी रहना है उनके तो मजे हैं अब, क्योंकि अब रॉयल रंबल एंड रोड टू रेसलमेनिया जो है वो काफ़ी धमाकेदार होगा दोस्तों। रोमन रेंज, गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकइंटायर एंड इवन ब्रॉक लेसनर का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा इन 3-4 महीने में। तो आप सब स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे शोज के लिए, क्योंकि अब बहुत मज़ा आने वाला है एंड बचकांड स्मार्क्स की काफ़ी जलने वाली है। लास्ट ईयर भी जब फीड को हराया था गोल्डबर्ग ने, लोगों ने काफ़ी हेट किया था और कहा था कि हम स्मैकडाउन देखेंगे ही नहीं। एंड गेस व्हाट, सऊदी के उस शो के बाद डायरेक्टली स्मैकडाउन था एंड गेस व्हाट दोस्तों, उस स्मैकडाउन को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिले, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने देखे हैं। तो इतने बड़े हिपोक्रिट्स होते हैं ये स्मार्क, विंस को पता है ये चीज़, इसलिए वो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल करते ही है और स्मार्क्स देखते ही है, इसलिए गोल्डबर्ग को लाया गया है दोस्तों। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, गोल्डबर्ग के लिए, रोमन रेंस के लिए एंड आपके रेसलिंग बादशाह के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि विनर टेक्स ऑल वाला मैच हमें देखने मिलेगा बिटवीन गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस, और अगर इनका मैच होता है एट रेसलमेनिया तो कौन जीतेगा ड्यूअल चैंपियनशिप। एंड सेकेंड, आपको क्या लगता है गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकइंटायर में से कौन जीत सकता है रॉयल रंबल, और आप किसे सपोर्ट करते हैं इस फ्यूड में, गोल्डबर्ग को या ड्रू मैकइंटायर को। सो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।